बारिश के मौसम में सैलानी मौज मस्ती करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। शनिवार और रविवार को खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटन स्थलों पर पाबंदियां होने के बावजूद सैलानी मौज मस्ती में लगे हैं। ऐसे में पुलिस सैलानियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। लोनावला खंडाला की हसीन वादियां बारिश के मौसम में देखने लायक होती हैं। इसे देखने के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि भारत के बाहर से अलग अलग देशों के लोग भी यहां आते हैं। लेकिन महामारी के चलते पर्यटकों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी पर्यटक खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। बारिश का मजा लेने के लिए लोनावला एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ के सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं, हरियाली, झरने और खूबसूरत मौसम मॉनसून में और लुभाते हैं। लोनावला की खास जगहों में टाइगर पॉइंट से नीचे बहता झरना, बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा बनाए गए कारला केव्स, भूशी डैम के पास स्थित फेमस वाटरफॉल इत्यादि। लोनावला शहर में पिछले 2 से 3 दिन से हो रही तेज बरसात से यहाँ का मौसम बदल गया है, जिससे यहाँ का डैम पूरी तरह से लबालब भर चुका है, जिसे देखने के लिए पर्यटक हर साल भीड़ करते हैं। तो इस साल पर्यटकों पर पाबंदी लगी है, लेकिन नियमों के बावजूद कुछ लोग लोनावला खंडाला घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे पर्यटकों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने भी पर्यटकों को पर्यटन स्थल पर न जाने की चेतावनी दी है। अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते तो फिर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर शहर में कड़े नियम लागू करना पड़ सकता है। ऐसी चेतावनी भी अजीत पवार ने दी है। एसपी सर और डीवाईएसपी सर के मार्गदर्शन और आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन स्थलों पर संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए पुलिस बल तैनात है। साथ ही अधिकारियों के आदेश हैं कि पुणे समेत लोनावला और मावल तहसील में पर्यटन स्थलों पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदियां होने के चलते यहां पुलिस पर्यटन पर आ रहे सैलानियों को रोक रही है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। कई सैलानियों को पाबंदियों के बारे में पता न होने से ये लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वापस भेज रही है। लोगों को आज भी मास्क पहनना जरूरी है। मुझे पुणे के लोगों और राज्य की जनता से ये कहना है कि आज कोरोना स्थिति को लेकर बैठक करते हुए एक बात सामने आई, जिनका वैक्सीन का दोनों डोज हो चुका है वो मास्क का इस्तेमाल करना बंद किया है और उनका निधन हो गया। सबसे मेरी विनती है कि हमारे टास्क फोर्स और वैद्यकीय सलाहकारों का भी यही कहना है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। शाम 4 बजे के बाद दुकानें बंद रखने का आदेश है। दुकानें बंद होती हैं, लेकिन सड़कों पर ठेले लगना शुरू है और वो देर शाम तक शुरू रहते हैं। इसलिए मैंने पुलिस को आदेश दिए हैं कि 4 बजे के बाद सब कुछ बंद होना चाहिए और पर्यटन स्थल लोनावला सिंहगढ़ पर जो भी सैलानी भीड़ कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को पर्यटकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी एस आर न्यूज, पुणे।